खुशी की बात यह है कि फिल्म अभी भी थिएटर में चल रही है, अभी 10वां हफ्ता है और साथ साथ में डीवीडी भी लॉन्च हो रही है इस तरह से। तो अब जिन्होंने फिल्म देखी है वो भी डीवीडी खरीद के देख सकते हैं वापस, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हमने डाले हुए हैं। जैसे कि फिल्म पर जो केस हुआ था, जो लिटिगेशन हुई थी, उसकी काफ़ी डिटेल इस डीवीडी में है, जो जाहिर है कि आपको थिएटर में नहीं दिखेगा। और हमने कुछ स्टोरी बोर्ड्स भी डाले हुए हैं जो फिल्म स्टूडेंट्स के लिए एक सहायक होता है, हेल्पफुल हो सकता है फिल्म स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि जो फिल्म जो आप देख रहे हैं उसको दरअसल पेपर पे कैसे बनाया गया था, जो शॉट्स थे वो कैसे डिज़ाइन किए गए थे। कुछ फिल्में हैं जो जिसकी आप डीवीडी रखना चाहेंगे। मेरा जो सिलसिला रहा फिल्मों का, मुझे पता है कि कुछ 13-14 फिल्में हैं जो मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि वो उसकी डीवीडी रखी जा सकती है, उसमें से एक रहस्य है। तो इसलिए बड़ी खुशी है जब डीवीडी निकलती है फिल्म की और एक जायज़ फिल्म की डीवीडी निकलती है। फीलिंग वेरी थ्रिल्ड। कोई अपेक्षा नहीं थी कि 10 हफ्ते फिल्म थिएटर्स में चलेगी, क्योंकि जिस तरह से फिल्म रिलीज़ हुई, जिस तरह से इसकी दुनिया में ये आई, वो बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड सा था। दो दिन पहले तक हमें पता ही नहीं था कि फिल्म रिलीज़ होने वाली है या नहीं, और फिर जब रिलीज़ हुई तो हमें लगा कि क्योंकि पब्लिसिटी उतनी नहीं हम कर पाए जितनी हम करना चाहते थे, तो फिर फिल्म अभी भी चल रही है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, क्योंकि ये 10वां हफ्ता है। सो इट्स फैंटास्टिक दैट पीपल कैन नाउ वॉच इट, क्योंकि आई फील कि ये डीवीडी पे भी बहुत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ये उस तरह की फिल्म है जो लोग घर पे बैठ के भी बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। अब डीवीडी आने से क्या होना कि थोड़ा सुकून मिल गया कि लोग आकर खरीदेंगे उस चीज़ को और घर में बैठ के आराम से देखेंगे उस फिल्म को, और उसके लिए ना तो हमको कुछ ज़्यादा आवाज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार आपने देख ली तो आप 3-4 लोगों को और बोल देंगे, और रिलायंस जैसी कंपनी पीछे है इस कार्यक्रम के, तो आई एम श्योर प्रॉपर पब्लिसिटी भी होगी इस चीज़ की। हमने भेजा है नेशनल अवार्ड के लिए, हम भेज चुके हैं फिल्म को, तो हमारी अपेक्षा तो यही है कि बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड आना चाहिए, और बाकी सारे जो पॉपुलर अवार्ड्स हैं, क्रिटिक्स अवार्ड्स हैं, उसमें भी हम जरूर भेजेंगे। हमें हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि फिल्म को काफ़ी अवार्ड्स मिले। ऐसा आप कह रहे हैं कि वो आरुषि मर्डर केस से इंस्पायर्ड है, मेरे लिए ये एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री है, जैसे कि अगाथा क्रिस्टी की स्टोरीज या शर्लॉक होम्स या उस जॉनर की कहानियों में से एक है। तो कुछ सिमिलैरिटीज शायद हों, पर उसका कोई लेना देना नहीं है। फिल्म सक्सेसफुल इसलिए होती है क्योंकि लोग जुड़ते हैं कहानी से, पात्रों से। तो मनीष ने एक बहुत अच्छी हुडनिट बनाई है, तो वो कि किसने किया मर्डर, 6 सस्पेक्ट्स हैं, कहानी घूमती रहती है उन 6 के बीच के किसने मर्डर किया, एंड दैट्स व्हाट मेड द फिल्म सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर एक तो मैं वही रेपिटेटिव नहीं करना चाहती, जो किया है वो दोबारा नहीं करना चाहती, मुझे उससे बहुत कोफ्त होती है, बोरियत होती है, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि ऐसे काम करूँ जिससे मैं खुद बोर ना हूँ, और जाहिर है कि अगर मैं नहीं बोर हो रही तो ऑडियंस भी नहीं बोर होगी।